ड्रग कंट्रोलर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम DCGI भी बोलते हैं, उसने अनाउंस किया है कि 1 अगस्त और 1 अगस्त के बाद जितनी दवाइयां मैन्युफैक्चर होंगी उनमें जो 300 दवाइयां हैं उनको लिस्ट किया है, उन दवाइयों पे बार कोड लगाना अनिवार्य होगा। मैं हूं डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फिलिप्स हॉस्पिटल नोएडा। तो हम समझते हैं कि बार कोड का आम जनता के लिए हिंदी में, सरल भाषा में क्या मतलब है इसका। आप सब जानते होंगे कि लाखों लोगों की मृत्यु हमारे देश में ग्लोबली इसलिए हो जाती है कि नकली फेक दवाइयां मिलती हैं उनको। बहुत सारे लोगों की बीमारियां इसलिए सीरियस हो जाती हैं कि उनकी जो दवाई की जो पोटेंसी होती है वो कम होती है, मतलब दवाई अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दवाइयां जो है, खास करके जेनरिक नाम पता नहीं होता, दवाइयां डिस्पेंसिंग में गलती हो जाती है केमिस्ट से, जिससे उन लोगों को साइड इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशन, इवन मृत्यु तक हो सकती है कि आपको दवाई कुछ और चाहिए थी, बिकॉज पर्चा सही से नहीं पढ़ पाया, बार कोड था नहीं, स्कैन किया नहीं, तो गलत दवाई चली गई, गलत दवाई डिस्पेंस हो गई। इन सभी समस्याओं को जड़ से मिटाने के लिए सरकार ने एक बढ़िया कदम उठाया है। उसमें क्या है कि CDS को और DCGI ने गाइडलाइन जारी करी हैं कि जो भी कंपनियां, जो खास करके एंटी डायबिटिक दवाइयां हैं, शुगर की दवाइयां इनको बोलते हैं, या एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारे कीटाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं, जैसे टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, कोलाइटिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, उनको UTI है। इसके अलावा कार्डियक दवाइयां जो हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयां हैं जो आपको एलर्जी से बचाती हैं, या कफ कोल्ड फ्लू की जो दवाइयां हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन रिलीफ की दवाइयां, उन सबको कंपलसरी कर दिया गया 300 ब्रांड्स को कि वो अपना बारकोड अनिवार्य करेंगे, सो दैट जो ये समस्याएं हैं, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं दवाइयों में बारकोड ना लगा होने की वजह से, वो खत्म हो जाए। तो बारकोड में क्या होता है, जिससे हमें क्या पता लगे, बारकोड में क्या है, जब आप स्कैन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसका जेनरिक नेम मेडिसिन का क्या है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जेनरिक मेडिसिन का नाम अलग होता है, ब्रांड का अलग होता है, कभी कभी गलती से कुछ गलत दवाई डिस्पेंस ना हो जाए तो आप जेनरिक मेडिसिन का नाम भी उसमें देख सकते हैं। नंबर टू, उसमें मैन्युफैक्चरर कौन है उसका नाम और उसका पता भी होगा। नंबर तीन, मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस भी होगा। नंबर चार, उसकी एक्सपायरी क्या है वो भी उसमें पता होगी। इसके अलावा उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है वो भी आपको पता होगी। तो ये सब जानकारी बारकोड में एक सिंगल स्कैन से आ जाएंगे, जिससे जो केमिस्ट है या जो हमारा ग्राहक है, जो पेशेंट है, मरीज है, वो इम्पावर्ड होगा कि सही दवाई उसको पता लग जाएगी, सही जानकारी मिल जाएगी और फेक दवाइयों से बचेगा, जिससे जो कॉम्प्लिकेशन है, साइड इफेक्ट्स हैं, या जो बीमारियां सीरियस हो सकती हैं, इवन डेथ हो सकती है, या गलत दवाइयां जा सकती हैं, उन सबसे बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच।